यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकानों पर आर्टिलरी से अटैक। रूस के सैन्य बेस पर एक साथ कई गोले दागे गए। आर्टिलरी यूनिट ने किया रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। अमेरिका जर्मनी से यूक्रेन को आर्टिलरी सिस्टम मिले हैं। डॉक्टर घोष, अगर ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जर्मनी और अमेरिका लगातार मदद कर रहा है यूक्रेन की, और इसी के बल पर ही ऐसा लग रहा है ये बैकबोन ही है यूक्रेन की, जो अब तक एयरफोर्स का भी इस्तेमाल से पहले जो तस्वीरें दिखाई, एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वायुसेना का अपना भीषण प्रहार के लिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि अपना जो काउंटर है वो मजबूत किया जा सके। जी हाँ, यूक्रेन को तो पूरा नाटो का सहायता मिल रहा है, लेकिन आपने एक बात देखी कि जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी चाइना में गए, और मेरे ख्याल में ये एक नाटो में एक काफ़ी बड़ा दरार आ गया है जिसमें जर्मनी और फ्रांस अभी कह रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कि वो अमेरिका का बात नहीं मानेंगे, यानी कि जो भी कुछ अमेरिका कहता था ये पूरा नाटो मानता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जर्मनी ने कहा नहीं, हमारे पर इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में हमें चाइना से हाथ मिलाना पड़ेगा बिजनेस के मामले पे, तो वो वहाँ पर गए। लेकिन दूसरी ओर वो नाटो के मेंबर होने के लिए वो यूक्रेन को, क्योंकि जंग चल रही है ना सर, जंग में तो सबको जायज होता है कि सब लोग नेशनल इंटरेस्ट के तहत ही सारी रणनीति अपना रहे हैं। त्रिपाठी सर, एक रिएक्शन मैं आपसे इस पर ये भी चाहूंगा। आप देखिए, 9 महीना हो रहा है युद्ध को, यह आप रशिया का एक बड़ा फेलियर देख रहे हैं क्या? जो हथियारों की सप्लाई लाइन है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियार, उसको तबाह नहीं कर पाए, उस पर एक्शन आज तक नहीं ले पाए, यही वजह की। बिल्कुल सही है। मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं रहा है कि एयर पावर जो इतनी इंपॉर्टेंट थी रशिया की, वो यूज नहीं हो रही है। बिल्कुल, वही। और ये जो है, ये अगर फ्रीली यूक्रेन अगर अपने हथियार, अपने गोला बारूद सब लिया, अगर आगे ले आता जा रहा है इतने फ्रंट पर, इतने नजदीक, उसको ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, बिल्कुल, अगर हम आज कह रहे हैं कि नाटो पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें यूक्रेन का क्या फायदा हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो रहा है, एनर्जी सेक्टर पूरा तबाह हो रहा है, और रशिया यहाँ पर कमजोर क्यों साबित हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका आप इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।